अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और रमज़ान का महीना भी अपने इख्तिताम पर है, कुछ आखिरी दिन रह गए हैं रोज़ों के। और इस रमज़ान में हमने आपके साथ खूब अपने घर की रेसिपीज़, अपने जो भी थी, जो हमने बनाया, जो हमने खाया, आपके साथ बहुत शेयर की हैं। बहुत सारी खाने की वीडियो है, होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा ज़रूर। कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को हमारी डिशेस कैसी लगी है। ना अंशी, कुछ अंशी ने भी बनाया, अंशी ने वैसे कुछ खास नहीं बनाया, अच्छा बनाया था बहुत। एक अच्छा बना था वो रेसिपी नानू की थी और दूसरा भी अच्छी। कौन सी वाली नानू की थी रेसिपी? वो चाइनीज। हाँ वो है, लेकिन जो भी है मैंने आपके साथ खूब जो मैं कर सकती थी, जितना मैं कर सकती थी, मैंने आप लोगों के साथ अपनी रेसिपीज शेयर की। क्योंकि मुझे लगा डेली व्लॉग वही मैं घर में रहती हूँ, वही अफ्तारी, वही सहरी आप लोग देख के बोर हो जाएंगे, तो क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ दिखाई जाए आपको कि जो आप लोग ट्राई भी करें और थोड़ा सा आप लोगों को इंटरेस्ट हो कि यार ठीक है। खैर, लेकिन आज फिर मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और वो है उसकी क्या कहते हैं, क्या है बताओ, क्या बता रही हूँ, ब्रेड पॉकेट्स बनाने जा रही हूँ आज मैं। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा वैसे भी रोज़ों के कुछ ही दिन रह गए, तो जितना हो सकता है, जितनी ज़्यादा रेसिपीज हो सकती हैं मैं आप लोगों के साथ। मुझे लग रहा है मेरा चैनल अब डेली ब्लॉग की जगह वो हो गया है, कुकिंग चैनल हो गया है ना। लेकिन बहरहाल तो आए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने ब्रेड, क्या कहते हैं उसको, एक तो मैं नाम भूल जाती हूँ, ब्रेड पॉकेट्स बनाना। ठीक है, तो आ जाइए चलते हैं। वीडियो पहले बनाना भूल गई इसलिए अभी इसमें मैंने एक प्याज डाला है और 400 ग्राम्स चिकन को क्यूब्स करके या रफली कट करके इसमें मैंने पैन में डाल दिए, थोड़े से ऑयल में, सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल में ये मैं इसको कर रही हूँ, सिर्फ चिकन के सॉफ्ट होने तक। और अब इसमें सीजनिंग में मिलाऊँगी तो फिर मैं अकॉर्डिंगली दिखाती जा। अब मैं इसमें टू टेस्ट सॉल्ट डालूँगी, जितना आपको सही लगे, इसमें चीज़ें भी डालेंगे, थोड़ा सा नमक कल कम रखें। अच्छा, उसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च, वो भी अपने टेस्ट के लिहाज से रखिएगा, मैं 1/2 टीस्पून डाल दे रहा हूँ। उसके बाद इसमें मैं डालूँ थोड़ा सा और डालूँ, थोड़ा सा डालिएगा नहीं तो फिर वो कड़वा कड़वा रहना शुरू होता है। और डालूंगी उसकी मिर्च, और मैं डालूंगी इसमें कुटी लाल मिर्च, ये मैं इसमें डालूंगी कुटी लाल मिर्च, छोड़ेंगे और मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स करते हैं। इसमें 1 हाथ से बनाना और 1 हाथ से सही करना है बहुत मुश्किल लगता है, इस वजह से जितना दिखा सकती हूँ उतना दिखा देती हूँ। अब मैं इसमें सोया सॉस और चिली सॉस डालती हूँ, वो आपको वैसे दिखाती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाल दूँगी, ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून है ये सोया सॉस। अब इसमें जा रहा है चिली सॉस। अच्छा, हमने काली मिर्च और वो सब डाल चुके हैं तो इसलिए ध्यान रख के डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए वरना बहुत स्पाइसी हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, तो करते हैं तेज। क्या बंद करेंगे? अच्छा, ये मैंने इसकी आग बंद कर दी है, ये डन हो गया है। तो इसको मैंने आप आग बंद करने के बाद, ताकि ये ज़्यादा गले नहीं, इसमें ये डाल दिए क्या बंद को भी मैंने इसमें ऐड करनी है, तो इसको मिक्स करना है, लेकिन इसको आग जला के नहीं करना है ताकि इसकी क्रिस्पीनेस बाकी रहे। अभी मेरा मिक्सचर रेडी हो चुका है और इसके बाद जो है मैं इसमें फर्दर मायनीज़ वगैरह ऐड करती हूँ। और जो है वो मायनीज़, ये थोड़ा एक दफ़ा मिक्सचर ठंडा हो जाए फिर इसमें मायनीज़ डालनी है, तो फिर ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा और फिर हम इसको पॉकेट्स बना के पॉकेट्स में फिल कर लेंगे। अच्छा, ये ब्रेड पॉकेट्स, 2 ब्रेड्स को एक दूसरे पे स्टैक किए है, उसके बाद इसको बेल लेना है और थोड़ा प्रेशर से बेलना है ताकि ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाए, और ऐसे इसको स्लिम ट्रिम कर लेना ये। अब इसको
जो भी कटर आपके पास हो, मैंने ये लिए कैप, इसकी मदद से इसके मैं राउंड्स बना लूंगी। अब ये इसका एक्स्ट्रा जो भी एक्सेस है ये रिमूव कर देना है। ये रिमूव हो गया और जो हमारे पास बचा वो ये, ठीक है। अच्छा, ये हमने अभी वो जो ब्रेड पॉकेट्स बनाई थी उसको हमने ऐसे सीजर से काट लेना है, और काटने के बाद इसमें ये इस तरह से पॉकेट्स बन गई। अभी इसमें हम फिलिंग करेंगे। ये अब हमने इसमें ऐसे फिलिंग कर ली। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भरना है ताकि ये फट ना जाए, लेकिन कम भी नहीं भरना है, अच्छे से मुंह तक भरना है, फुल फुल। और थोड़ा सा डाल दें आंटी, ये देखे ऐसे ऐसे फिल करना है। अच्छा, ये इसकी फाइनल लुक है, ये बन गया है इस तरफ से।